कारगिल विजय दिहाड़े दे 20 साल पूरे होने मौके दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दे विच एक वीडियो जारी हुई सी, पर हुण इस वीडियो ते विवाद खड़ा हो गया। दस दिए यह वीडियो करीब 9 मिनट की है, पर इस 9 मिनट की वीडियो दे विच किते भी सिख रेजिमेंट का जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि कारगिल जंग दौरान सब तो अहम भूमिका सिख रेजिमेंट की ही सी। कारगिल जंग दौरान सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन का हिस्सा रहे रिटायर्ड जनरल जे एस शेरगिल ने सोशल मीडिया के जरिए इस उत्ते इतराज भी जताया अते हुण इस मुद्दे ते सियासत भी शुरू हो गई है। काबले जिक्र है कि कारगिल की इस जंग दे विच सब तो अहम भूमिका सिख रेजिमेंट की सी, पर फिर भी इस वीडियो दे विच सिख रेजिमेंट का जिक्र तक ना होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है अते हुण सियासतदान भी इस वीडियो ते तरह तरह के इल्जाम लगा रहे ने अते यह कहा जा रहा है कि सिखां नूं जान बुझ के अणगौलिया किया जा रहा है। काबले जिक्र है कि हाल दे विच ही सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन के वीर चक्र विजेता सतपाल सिंह नूं पंजाब सरकार ने डबल प्रमोशन दे के ASI बनाया। सतपाल सिंह ने ही पाकिस्तान फौज के कैप्टन कर्नल शेर खान अते 3 होर फौजियों नूं कारगिल जंग दे विच मार मुकाया सी। हुण कारगिल विजय नूं दर्शाउंदी इह वीडियो बनाई गई है जिस दे विच सिख रेजिमेंट का जिक्र तक ना होना कई तरह के वड्डे सवाल खड़े कर रहा है अते एक बार फिर तो सिखां नूं अणगौलिया करन दी गल भी सामने आ रही है।